नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। साप्ताहिक पशुधन मेला, उन्नत नस्ल के कई पशु आए, बताई गई पशुपालन की तकनीक। यह पशुपालकों के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि पशुधन खरीदते बेचने वालों के लिए साप्ताहिक पैठ किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों पशुपालकों के साथ जिले भर के व्यापारी मौजूद थे और इसी के साथ मेले को संबोधित करते हुए आयोजक चौधरी हजरत खां व हाजी साबिर खां मलिक ने कहा कि जिले भर से आए सभी पशुपालकों का स्वागत है, वह उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में पशुधन को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे पशु मेले के रूप में आयोजित करके पशुपालन विभाग से ज्यादा पशुपालकों को लाभान्वित करने की कोशिश करता है और इसी कड़ी में उन्हें बहुत खुशी है कि हापुड़ जिले के सौड़ा में हर शनिवार को साप्ताहिक पशुधन मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी नस्लों के दुधारू पशु बेचे खरीदे जाते हैं। हापुड़ से संवाददाता नौशाद चौधरी की रिपोर्ट। जी अशरद भाई, आप जो पैंट लग रही है, बाजार चल रहा है, तो जो गांव समाज के लोग हैं, जैसे कि यहाँ आसपास के गांव हैं, कैली, पांची, दोमी, धनोरा, जिलपुर, खड़खड़ी, आसपास के समाज के व्यक्ति के लोग क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे अगला पैंट और है और त्योहार का मौका आया हुआ है भाई, सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा माल लेकर आए और व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो खरीदने के लिए आए। और हरियाणा से भी ताजा भैंस आने लगी हैं और बाफड़ी ग्याभन सभी जानवर आना शुरू हो गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा खरीद फरोख्त करके फायदा उठाएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।